दोस्तों हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपके LDC या जो आपके प्रमोशन कोटा होता है 20% कोटा, उसमें जो आपके JEE के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए क्वेश्चन पेपर के बारे में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है और ये कितने नंबर का होता है और कितने अभ्यर्थी होते हैं वो इसमें भाग लिए जाते हैं या इसमें कितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो टोटल इसका मार्क्स होता है वो आपके होता है टोटल 100 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, इंजीनियरिंग विभाग में JEE PVA पदोन्नति कोटा लेवल 06 के चयन हेतु प्रश्न पत्र है, उत्तर पश्चिमी रेलवे है, ये बीकानेर मंडल का है। जो LDC या आपके बोला जाए तो प्रमोशन कोटा की जो वैकेंसी आती है वो वैकेंसी अलग अलग आपके जोन के जितने डिवीज़न होते हैं वो अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी आती है। इसमें जो आपका टाइम रहा था वो टाइम आपके 2 आवर्स और यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी ये प्रश्न पत्र दिया गया। टोटल मार्क्स है वो आपके कितने 100 क्वेश्चन। परीक्षार्थी निम्नलिखित दिशा निर्देश को ध्यान में रखिए, परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या दिशा निर्देश है वो परीक्षार्थी को दिया जाता है। उससे पहले जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। साथियों वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो, जिससे हम भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर या GDC LDC से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हो वो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए हम देख लेते हैं, आपका पहला है सभी प्रश्न बहुत विकल्पीय प्रश्न है, मतलब सभी जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न पत्र है वो आपके 100 अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक रखा गया है। प्रश्न पत्र है उसमें 110 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें राज भाषा नीति से संबंधित 10 वैकल्पिक प्रश्न है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0 अंक प्रदान किया जाएगा व गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंगें नहीं रखी गई। प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न दिए गए हैं, टोटल जो आपके हैं वो 16 प्रश्न है। इस परीक्षा के लिए कैलकुलेटर, मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए परीक्षा हॉल में सभी इलेक्ट्रॉनिक आपके गैजेट्स है उसका प्रयोग निषेध है। और आपको इंट्रोडक्शन में जो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए वो इंग्लिश में भी यहाँ से देख सकते हैं। आपके यहाँ पे देखिए 110 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं और टोटल टाइम है वो 120 मिनट का टाइम है। और ये जो प्रश्न पत्र है उसमें कितने पेज है, 16 पेज रखे गए हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया है। ये देखिए आपके PYE के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन है LWR CWR में कौन कौन से प्रकार का ग्लूट जॉइंट प्रयोग में लिया जाता है। तो ये आपके जो ग्लूट जॉइंट होता है वो होता है G-3L, इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके की मेन व मेट को कितने समय में पुनः जो आपके कोर्स हेतु भेजा जाता है, मतलब जो आपके कोर्स है उसके लिए वापिस इनको पुनः भेजा जाता है, तो वो कितने वर्ष के लिए भेजा जाता है, 5 वर्ष में, ये रहा आपके 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपके 3 नंबर क्वेश्चन, जंग प्रवण क्षेत्रों में रेल की गज फेस साइड की पेंटिंग पुनः कितने वर्षों में होती है। तो ये पेंटिंग होती है वो आपके 1 वर्ष में दोबारा की जाती है, ए ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सी ढलान से गहरी ढलान पर रेल डोली चलाना मना है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ढलान से गहरी ढलान पर कौन सी डोली रेल डोली चलाना क्या होती है, मना होती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1 in 200, इस ढलान पे आपको चलाना क्या होती है, मना होती है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल लाइन में सर्दी की गश्त में पेट्रोल मैन की बीट होती है, मतलब सर्दी की गश्त में पेट्रोल मैन की बीट होती है वो कितनी होती है, 4 किलोमीटर। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी ने सही किया है। रेल डोली चलाने वाले अधिकारियों के पास किस श्रेणी का मेडिकल होना चाहिए। देखिए ये भी मेडिकल का भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो हम यहाँ से देखते हैं आपके A3 मेडिकल होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, हुक बोल्ट किस जगह पर लगाया जाता है, आपका जो हुक बोल्ट होता है वो किस जगह पर लगाया जाता है, तो किस जगह पर लगाया जाता है, पुल पर। कहाँ पर लगाया जाता है, पुल पर।
सिंगल लाइन बिजली पर रेल फ्रैक्चर होने पर फटाके कहाँ लगाए जाते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रेल फ्रैक्चर हो जाता है तो आपके फटाके होते हैं वो कहाँ पर लगाए जाते हैं? तो ये आपके होते हैं 600 मीटर व 1200 मीटर। पहला फटाका 600 मीटर, फिर 1200, फिर जिग जैग 10-10 मीटर पर ये फटाके क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जहाँ जिस साइड से क्या हो, गाड़ी पहले हो, अगर अप लाइन से है तो अप से की तरफ लगाओ और डाउन की तरफ है तो डाउन की तरफ। अगला आपके 9 नंबर पर्सन, तो हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। गाड़ी के विभाजन ट्रेन पार्टिंग होने पर कौन सा सिग्नल दिखाते हैं? तो कौन सा सिग्नल यहाँ पे आपको दिखाना होता है? हरी झंडी व सफ़ेद बत्ती, सिर से पांव। ग्रीष्मकालीन पेट्रोलिंग में पेट्रोलमैन को कौन सा सामान नहीं दिया जाता? मतलब गर्मी की जो पेट्रोलिंग होती है उसमें पेट्रोलमैन को हरी झंडी नहीं दी जाती, उसमें कौन सी दी जाती है? लाल झंडी दी जाती है, मतलब वो गाड़ी को पास नहीं कर सकता। अगला है पीआरसी स्लीपर वाले फाटक की ओवरहॉलिंग कितने वर्ष में की जाती है? तो आपके ये होती है वो 2 साल में करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगला है LWR ट्रैक में 30 स्लीपरों में से एक साथ कितने स्लीपर बदल सकते हैं? तो आप कितने एक साथ बदल सकते हैं, 1 स्लीपर। फैन शेपर्ड वाले कांटा क्रॉसिंग में चेक रेल जो चक्रेल होती है उसका क्लियरेंस कितना रखा जाता है? मतलब बड़ी लाइन में क्या किया गया ये पूछा गया, तो कितना 41 से 45 मीटर इसमें क्लियरेंस है वो रखा जाता है। फाटक का झंडा चक्रेल के सिरे से कितनी दूरी पर लगाते हैं? चेक रेल या चक्रेल होती है उसकी कितनी दूरी पर फाटक का झंडा है वो आपके लगाया जाता है? तो कितने मीटर दूरी पर? 3 मीटर दूरी पर। सर्दी की पेट्रोलिंग कितने तापमान पर लगाई जाती है? तो यहाँ से आप देख सकते हो सर्दी की जो पेट्रोलिंग होती है वो आपके TD 30 पर। अगला क्वेश्चन आपके 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से। रेल जोड़ फ्रैक्चर होने पे कितने गैप पर पेट्रोलमैन गाड़ी के पास गाड़ी को पास कर सकता है? मतलब रेल जोड़ फ्रैक्चर होने पर कितने गैप पर जो पेट्रोलमैन होता है वो गाड़ी को क्या कर सकता है, पास करता है, किसके बिना? क्लोजर के बिना। तो कितने मीटर पर? 30 मीटर पर। मशीन पैकिंग के लिए कम से कम कितना साफ बेलास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन होना चाहिए? तो मशीन पैकिंग के लिए आपके कितने मीटर का कम से कम जो आपका वो साफ बेलास्ट क्वेश्चन होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 100 मीटर पे। इंग्लिश में भी आपके PDF दी गई है, आप यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हो जो इन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है। मेन लाइन में ERC का ग्रिस कितने साल में करते हैं? मतलब मेन लाइन होती है जो आपकी उसमें ERC का जो ग्रिस होता है वो कितनी साल में किया जाता है? तो कितनी साल में किया जाता है? 2 साल में। 19 नंबर क्वेश्चन है थ्रू पैकिंग में कितने चरणों में कार्य किया जाता है? तो थ्रू चरणों में आपके 8 चरणों में कार्य किया जाता है। अगला है 2 डिग्री गोलाई की त्रिज्या कितनी होगी? मतलब 2 डिग्री गोलाई तो बनती है तो उसका परिधि टाइप में बनती है तो उसकी त्रिज्या इसमें क्या होता है बताना होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कितनी होती है डिग्री, जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा 875 मीटर की। वेल्डिंग कार्य के दौरान अलाइनमेंट होतु जोड़ के दोनों ओर कम से कम स्लीपरों की फिटिंग हटानी चाहिए, तो ये कितनी हटानी चाहिए? तो ये आपके हो जाएगी बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 5 स्लीपरों की फिटिंग आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो वेल्डिंग कार्य के लिए। नए तैयार वेल्डेड जोड़ पर ट्रिमिंग वो है वो कितने मिनट के बाद वेजेज हटानी चाहिए? तो आपके कितने मिनट के बाद हटानी चाहिए? 20 मिनट के बाद। वेल्डिंग करने के लिए कम से कम मिनट का ब्लॉक प्राप्त किया जाना चाहिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है वो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ और देखिए ये क्वेश्चन आपके आ भी गया है। तो 23 नंबर में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कम से कम कितने मिनट का ब्लॉक? 70 से 75 मिनट। 24 नंबर क्वेश्चन है कंप्रेस्ड एयर पेट्रोलिंग प्री हीटिंग करते वक्त हवा का दाब वो होता है वो किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा जाता है, जो दाब होता है वो किस में रखा जाता है? क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, तो कितना केजी का है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे रखा जाएगा। तो यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है उसमें कितना होगा? 0.2 से 0.3 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला आपके क्वेश्चन है सामान्य गैप वेल्डिंग के लिए मोल्ड वेटिंग टाइम है, जो सामान्य गैप वेल्डिंग है उसके लिए मोल्ड वेटिंग टाइम है वो आपके कितना होता है? तो कितना होता है? 4 से 6 मिनट। अगला क्वेश्चन है आपके 26 नंबर वेल्डिंग कार्य के दौरान जो आपके टेम्पिंग के कितने मिनट के बाद ट्रेन पास की जाती है, मतलब वेंडिंग के कितने मिनट के बाद हम वहाँ से क्या कर सकते हैं ट्रेन को पास कर सकते हैं? तो कितने? 30 मिनट बाद। ये भी एक PDF में मेरा बताया हुआ है। सामान्यतः गैप वेल्डिंग कार्य के दौरान रेल के शीरों के मध्य गैप MM रखा जाता है, ये MM में आपको बताना है सामान्य गैप वेल्डिंग कार्य के दौरान।
तो ये कितना हो जाएगा आपके 25 प्लस माइनस एक, इसे कम ज़्यादा हो सकता है। अगला है SKV, वेल्डिंग के दौरान रासायनिक क्रिया का समय सेकंड है, मतलब इसका समय कितना होता है, तो इसका समय कितना होता है 20 सेकंड और प्लस माइनस क्या इतना हो सकता है 3 सेकंड हो सकता है, जो आपके टाइमर के द्वारा इसको स्टार्ट करके देखा जाना चाहिए। डिग्री और गोलाई की त्रिज्या के बीच संबंध, जब जीवा की लंबाई 30.5 मीटर है तो इसका जो डी होता है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बताना है त्रिज्या, सो आपकी डिग्री और गोलाई की त्रिज्या के बीच जीवा की लंबाई, तो 29 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, डी बराबर आपके क्या हो जाएगा 1750 बट्टा कितनी हो जाएगी आर। बीजी में गोलाई का अधिकतम डिग्री हो सकती है, जो आपकी बीजी होती है उसमें जो आपकी गोलाई की अधिकतम डिग्री हो सकती है उसमें अधिकतम कितनी गोलाई होती है वो आपके यहाँ पे रखी जा सकती है, तो इसमें है वो आपके 10 डिग्री गोलाई होती है वो अधिकतम रखी जा सकती है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, व्यापक अंतराल एटी वेल्डिंग की प्रक्रिया में हवा पेट्रोल मिश्रण के साथ पूर्व तापमान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम यातायात ब्लॉक का जो टाइम होता है वो रखा जाता है, तो कितना रखा जाता है आपके इनमें से कोई नहीं है, न 45 मिनट न 60 मिनट न आपके 30 मिनट। अगला है वेल्ड कॉलर पेंटिंग वर्ष में एक बार नॉन क्रॉसिंग प्रोन क्षेत्र में की जानी चाहिए, जो नॉन क्रॉसिंग प्रोन क्षेत्र होते हैं उसमें कितने वर्ष में ये वेल्डिंग होती है वो आपके की जानी चाहिए, तो कितने वर्ष में 4 वर्ष में ये आपके वेल्डिंग कॉलर पेंटिंग होती है वो की जाती है। वेल्डिंग से पहले केरोसिन के तेल और स्टील वायर ब्रश से रेल सिरों से कितनी दूरी तक साफ किया जाता है, ये भी आपको दूरी ध्यान में होनी चाहिए कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें जो है वो दोनों साइड से कितने सिरों पर केरोसिन तेल और ब्रश से साफ करते हैं, तो कितने से दोनों साइड से कम 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। ट्रैक पे मौजूद जो एटी बेल्ट और अन्य जोड़ के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, तो आपके ट्रैक में मौजूद जो एटी बेल्ट होता है उसमें जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है 4 मीटर, कितनी अन्य जोड़ से 4 मीटर। अगला है 60 किलो थिक वेब स्विच का जीवन काल GMT है, जीवन काल कितना होता है 60 किलो थिक का, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 60 किलो का कितना होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा 800 जो आपका होता है वो GMT होता है। अगला है 60 के GCMS क्रॉसिंग में मापे गए घिसाव में कितने mm होता है वो घटाया जाता है, तो कितने mm आपके घटाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 2.5 mm। अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन, तो आपके 37 नंबर क्वेश्चन है वो बीजी 1:12 है, फैन शेप्ड टर्न आउट की स्विच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है 10,125 mm। 38 नंबर क्वेश्चन, लीड में भाग में वर्साइन मापने के लिए जीवा की जो लंबाई होती है वो लंबाई कितनी होती है, गोलाई में आपके जीवा भी होती है त्रिज्या भी होती है और व्यास भी होता है, तो ये आपके 38 नंबर क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी 6 मीटर। जब हम गैपलेस जॉइंट बनाते हैं तो रेल होल का व्यास कितना होता है, तो यहाँ से देखा जाए तो रेल होल का व्यास होता है वो कितना होता है 26.5 mm। अगला क्वेश्चन है बीजी 1:12 फैन शेप्ड जो टर्न आउट का हील है डाइवर्जर्स होता है, मतलब ये कितने mm का इसमें डाइवर्जर्स होता है, तो कितने mm का होता है आपके 175 mm। अगला आपके बीजी 1:1, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, बीजी 1:12 थिक वेब स्विच में टर्न आउट साइड पर अनुमत गति होती है, जो आपकी अनुमत होती है वो किलोमीटर प्रति घंटे की आपको ये गति बतानी है, तो कितनी होती है इसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इंग्लिश में आपके दी हुई है PDF, जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है वो इंग्लिश भी यहाँ से देख सकता है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, केंट पर पॉइंट और क्रॉसिंग बिछाए जाते हैं, किस केंट पर कितने केंट पर क्रॉसिंग और आपके जो पॉइंट होते हैं वो बिछाए जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। अगला, पैसेंजर रनिंग लाइन पर पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए निरीक्षण कार्यक्रम महीने में एक बार होता है JEE SSC PVA के लिए रोटेशन द्वारा, मतलब किस रोटेशन के द्वारा ये आपका है वो निरीक्षण कार्यक्रम महीने में एक बार होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3। अगला है BG 1:12 PSSC वर्क स्विच के मामले में SRJ में ATS दूरी होती है, तो ये आपकी ATS दूरी होती है वो आपके दूरी रखी जाती है 1144 mm मतलब मिलीमीटर। स्विच भाग में क्रॉस लेवल ATS से आगे मापा जाता है कितने mm होता है, जो कि आगे मापा जाता है, तो ये कितने mm मापा जाता है आगे 450 mm होता है वो आगे इसमें मापा जाता है। टर्न आउट के दोनों तरफ मीटर
तक केंट में चेंज नहीं होता, कितने मीटर तक होता है वो जो केंट में चेंज नहीं होता, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके, 20 मीटर तक के केंट में कोई चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, टर्न आउट की लीड गोलाई में किसी स्टेशन पर डिजाइन वर्साइन और वास्तविक वर्साइन में अंतर मिलीमीटर में ज़्यादा नहीं हो सकता, कितने एमएम में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो कितने एमएम से, प्लस माइनस 3 एमएम से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगला है क्रॉसिंग पर घिसाव एन सी से दूरी मापी जाती है, कितने एमएम होती है वो दूरी यहाँ पे मापी जाती है, तो कितनी दूरी मापी जाती है, 100 एमएम। अगला है बीजी 1:12 कर्व स्विच के लिए लीड कर्व की त्रिज्या मीटर में होती है, जो लीड कर्व की त्रिज्या होती है वो कितने मीटर में होती है, तो कितने में होती है, 441.36 मीटर में। अगला है बीजी में 1:12 के कर्व स्विच टर्न आउट में स्विच पोर्शन में स्लीपर होते हैं वो कितने होते हैं, तो कितने स्लीपर यहाँ पे होते हैं, तो हम देखा जाए तो इसमें 20 स्लीपर होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं। ये आपके इंग्लिश में पीडीएफ आपको साथ में दी गई है, और आपको देखा जाए तो इसमें 110 क्वेश्चन है, मैं आपके 55 क्वेश्चन इस पहले पार्ट में कराऊंगा, और आपके जो बाकी 55 बचे हुए हैं वो कल के वीडियो में मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, इंजीनियरिंग विभाग में ये जो लगभग एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में जितने भी माप होते हैं उन माप से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, माप से और पेंट्रोलिंग से। अगला क्वेश्चन है आपके 51 नंबर क्वेश्चन लीडिंग स्ट्रेचर बार के टॉप तथा स्टोक रेल के बॉटम के बीच जो क्लियरेंस होता है वो मिलीमीटर में कितना होता है, तो कितना होता है, 1.5 से 5। क्रॉसिंग की नाक को टक्कर ना लगे इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि फैन शेप लेआउट के लिए चेक रेल क्लियरेंस होता है वो कितने एमएम के बीच होनी चाहिए, तो कितने एमएम के, 41 से 45 एमएम। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है बीजी सिग्नल लाइन ट्रैक कटिंग में पुराने काम के लिए फॉर्मेशन की जो चौड़ाई होती है वो कितनी रखी जाती है, तो कितनी रखी जाती है, 6,850 एमएम। अगला है स्विच की लंबाई के बीच की दूरी होती है, जो स्विच होता है उसकी लंबाई की जो बीच की दूरी होती है वो कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, तो कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, ATS से लेके HOS तक। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके बीजी में मेन लाइन पर नए कार्य के लिए न्यूनतम ब्लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, जो न्यूनतम ब्लास्ट क्वेश्चन होता है वो मेन लाइन के कार्य के लिए कितना होता है, तो कितने होता है, 350 मीटर का ये लंबा क्वेश्चन लगाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, ब्लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ सभी को यहाँ से अच्छा समझ में आया होगा, अगला जो पार्ट बचा हुआ है वो जल्दी से जल्दी इसी चैनल पर आप के जल्दी से जल्दी डाल दिया जाएगा।